पटना के बाद नगर परिषद के ज्यादातर वार्ड पार्षद इन दिनों नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री जया के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। पहला धरना विधिवत नहीं होने के बाद वार्ड पार्षद दूसरी बार धरने पर बैठ गए, जिससे शहर की सूरत बिगड़नी शुरू हो गई। 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। नगर में सफाई का कार्यक्रम करीब 1 पखवाड़े से बंद है, जिस कारण सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया है। जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब से नगर परिषद के वार्ड पार्षदों को कुछ लेना देना नहीं, और वार्ड पार्षद एकजुट होकर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ जंग लड़ने में जुटे हुए हैं। घोटाला क्या हुआ ये सब हम कुछ नहीं जानते, घोटाले के बारे में हम लोग ये सब कुछ नहीं जानते, कहाँ घोटाला हुआ, क्या हुआ, सही तरीका से अब जांच किया जाए। हम तो चाहते हैं खुद कि जांच किया जाए, कि चेयरमैन ही आप दोषी है। हम खुद चाहते हैं सीबीआई आए, कोई आए, जांच किया जाए। काहे हम सही है, हमको क्यों डर, किस बात का डर, जब हम कुछ करवे नहीं किए, कुछ इसमें हम शामिले नहीं है, तो किस बात का डर है। तो हड़ताल तो कई बार एक 5वें-6वें वेतन मान या और अंतर वेतन भुगतान की बात को लेकर के हम लोगों ने हड़ताल किया था, नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मियों ने। और उसमें हमारे पास विभागीय एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि जो भी अंतर वेतन का भुगतान करना है वे हमें अपने आंतरिक संसाधनों से आसान किस्तों में करना है। तो हमारे पास अभी इतने अधिक आंतरिक संसाधन नहीं है कि हम उनका भुगतान कर पाए। तो फिर हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की, तो उन्होंने बताया कि आप एक आवश्यकता का आकलन कर लीजिए, कितने पैसे की आपकी आवश्यकता है, और बाद में आप उनका आदेश है कि बाद में आप इसके इस पैसे के विभाग से आवंटन देने की बात करें। तो हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों की इस पर अलग अलग राय है। आलम यह है कि शहर की सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सड़क पर नाले का पानी जगह जगह फैलने लगा है, लोगों को गंदे नाले के पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी और नगर अध्यक्ष शकुंतला देवी को इससे कुछ लेना देना नहीं। वहीं नगर विकास विभाग के अधिकारी का भी अभी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं गया। दूसरी तरफ धीरे धीरे स्थिति महामारी की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे आम लोग आहत भी हैं और आक्रोशित भी, जिसको लेकर लोगों ने अब अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार और जिलाधिकारी कुमार रवि से हस्तक्षेप की मांग की, ताकि महामारी फैलने से पहले स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।